हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सेफ और सुरक्षित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बेडमी पूड़ी। तो बेडमी पूड़ी बनाना बहुत ईजी है और जो नॉर्मल पूड़ी होती है उनसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जैसे कि अब रक्षाबंधन आ रहा है और त्यौहार आ रहा है, तो आप जैसे घर में अगर पूड़ी बना रहे हैं तो प्लीज़ नॉर्मल पूड़ी की जगह ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत नॉर्मल पूड़ी से बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और ज़्यादा मेहनत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है नॉर्मल पूड़ी से, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मैं बेडमी पूड़ी कैसे बनाऊँगी। बेडमी पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक कटोरी उड़द की दाल। ये अराउंड होगी 200 ग्राम। मेरे पास धुली हुई दाल नहीं थी तो मैंने छिलके वाली ही दाल यूज़ की। अगर आपके पास धुली दाल है तो और अच्छा है। तो अब हम इसे अच्छे से धोने के बाद इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। अब जब हमारी दाल भीग गई है, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, तो जो इसका छिलका था वो सारा छिलका साफ़ हो गया और जैसे धुली हुई दाल होती है ये हमें वैसी मिल गई है। तो इसके बाद हम करेंगे इसे ब्लेंड। तो हम अपनी जो दाल है इसको अपने डाल लेंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो वो मसाले क्या क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी अदरक। तो अदरक मैंने 1-1.5 इंच के करीब होगा। और उसके बाद मैंने डाली है हरी मिर्च। तो 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली थी। और हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप जो लाल मिर्च पाउडर से स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने डाला है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम करेंगे अपनी दाल को अच्छे से ब्लेंड। तो देखिए मैंने जो दाल थी उसे ब्लेंड कर दिया है, हमने इसमें पानी नहीं डाला है। यहाँ पर मैं पानी नहीं डालना है, हमें ऐसे ही ब्लेंड करना है और बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही रखना है हमें दाल को। इसके बाद हम बनाएंगे अपना डो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा। और आटा डालने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सूजी। तो हमारा जितना आटा है उससे 1/4 हमें सूजी डालनी है। जैसे कि 4 कप अगर हमने आटा लिया है तो 1 कप लेंगे हम सूजी। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, जिससे कि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत खस्ता बनेंगी। आप अगर चाहते हैं तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमने दाल थी और उसका आटे का अच्छा एक डो बना लिया, जैसे पूड़ियों का डो होता है थोड़ा टाइट। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपनी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ जैसे नॉर्मल बनती हैं वैसे ही बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं आप वैसी ही बनाइए। और लेकिन हम इन्हें थोड़ा जैसे नॉर्मल पूड़ियाँ होती हैं उससे थोड़ा सा थिक लेंगे, क्योंकि इसमें दाल है तो इसका फटने का डर रहता है। तो इसको थोड़ा सा थिक रखिएगा और करना ज़्यादा नहीं करना है। और जैसे नॉर्मल पूड़ियाँ आप बेलते हैं आप वैसे ही बेलिए। और ट्रस्ट में आप ट्राई कीजिएगा इस राखी पर, आपको बहुत पसंद आएगी ये पूड़ी। नॉर्मल पूड़ी की बजाय आप ये पूड़ी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके साथ आपको ज़्यादा कोई सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोले की या पनीर की, आप नॉर्मल आलू की सब्ज़ी के साथ इसे खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो चटनी के साथ भी ये पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए बातें कर, हमारा जो तेल है वो हो गया है गरम। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रिफाइंड ऑयल। अगर आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं जैसे डालडा या सरसों का तेल, वो आपके ऊपर है, आप जो यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो तेल था वो अच्छे से गर्म हो गया था और हमारी पूड़ियाँ अच्छे से सिकने लगी हैं। तो हमें इनको करना है लाइट ब्राउन कलर का। तो देखिए मैं यहाँ पर दूसरी पूड़ी भी डाल लूँगी और ऐसे ही अपनी सारी पूड़ियों को मैं तल लूँगी। तो और तेल के साथ थोड़ा सा ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि तेल ऑफकोर्स सबको पता है कि तेल के साथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए हमारी जो पूड़ियाँ थी बात करते करते सिक गई हैं, कितना अच्छा कलर आया है। तो बाकी की भी जो सारी पूड़ियाँ हैं हम ऐसे ही तल लेंगे। तो ये हो गई है हमारी पूड़ी तैयार, हम इसे निकाल लेंगे अलग से। और ये और इसी तरीके से जो सारी पूड़ियाँ हैं मैं उन्हें तल लूँगी। और देखिए पूड़ी बिल्कुल हो गई है डन। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर ली है प्लेटिंग। तो मैंने यहाँ पर बनाई थी आलू की सब्ज़ी, नॉर्मल आलू टमाटर की सब्ज़ी। और ये हमारी पूड़ी हो गई है तैयार। यहाँ पर मैंने ले लिया है अचार। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप रक्षाबंधन के उसमें कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और रेसिपी चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी मैं वो रेसिपी ला पाऊँ, और आई होप 2-4 दिन में मैं कुछ स्वीट्स भी लाऊँगी जो कि आप रक्षाबंधन पर बना सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।